हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी ए यजू हब ऑनलाइन क्लासेज। क्लास ट्वेल्थ, सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक रुधिर वाहिनियाँ। मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है, रुधिर परिसंचरण, ये दो प्रकार का होता है। बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन मानव के अंदर रुधिर परिसंचरण जो है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। मानव के अंदर बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। इसका मतलब मानव के अंदर रुधिर जो होता है, ब्लड जो है वो बंद नलिकाओं में बहता है। बंद नलिकाओं में इन बंद नलिकाओं को रुधिर वाहिनियां कहते हैं। रुधिर वाहिनियां कहा जाता है। बंद नलिकाओं के अंदर बहता है, बंद नलिकाएं रुधिर वाहिनियां कहलाती हैं। रुधिर वाहिनियां तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले धमनी, सेकेंड केशिका, थर्ड शिरा। धमनी जो होती है इसके अंदर रुधिर एक दाब के साथ बहता है। धमनी आगे जाकर छोटी नलिकाओं में बदलती है। इन छोटी नलिकाओं को धमनिकाएं कहते हैं। केशिकाएं जो होती हैं ये धमनिकाओं के जस्ट आगे की ओर होती हैं और बहुत ही बारीक सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो आगे की तरफ खुलती हैं। सिरा के अंदर, सिरा की पतली जो शाखाएं होती हैं उनको सिरिकाएं कहते हैं, सिरिकाएं कहते हैं। रुधिर जो होता है वो हृदय से शरीर में, शरीर के प्रत्येक अंग और शरीर के प्रत्येक अंग से रुधिर वापस हृदय तक पहुंचने का जो मार्ग तय करता है उसमें सबसे पहले हृदय से रुधिर जो होता है वो धमनी, धमनी में प्रवेश करता है। धमनी के बाद धमनिकाओं, धमनिकाओं के अंदर धमनिकाओं से सिरिका केशिकाओं में, केशिका में, केशिका से सिरिकाओं में और सिरिकाओं से सिरा में, और सिरा वापस इसको लाकर डालती हैं हृदय के अंदर। तो रुधिर का जो परिसंचरण जो होता है, चक्र जो होता है वो निम्न मार्ग के द्वारा होता है। अब इसमें धमनी और सिरा की जो भित्ति होती है वो अनेक स्तरों से मिलकर बनी होती है, या अनेक स्तरों के अंदर उसको बांटा गया है। तीन स्तर होते हैं इनके, देखें यहाँ पर धमनी सिरा जो होती है ये तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट बाह्य स्तर, या इसको बाह्य कंचुक
के नाम से इसको जाना जाता है। सेकंड, मध्य स्तर, मध्य कंचुक। थर्ड, अंत स्तर, अंत कंचुक। बाह्य स्तर जो होता है ये बाहर की ओर पाया जाता है, जिसका निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। इसका निर्माण संयोजी ऊतकों से, इसके अंदर कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। संयोजी ऊतकों के साथ साथ इसमें कोलेजन तंतु भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि अप्रत्यास्थ होते हैं, अप्रत्यास्थ होते हैं। सेकंड, मध्य स्तर बाह्य स्तर के अंदर की ओर, दूसरा स्तर है वो मध्य स्तर होता है, जो वर्तुल अरेखित पेशी स्तर, वर्तुल अरेखित पेशी स्तर था, इसी के साथ में श्वेत कोलेजन तंतुओं का बना होता है। श्वेत कोलेजन तंतु, इन दोनों से ये मिलकर बना होता है। मध्य स्तर धमनियों में मोटा और सिराओं में पतला होता है। ये वाला जो स्तर है ये धमनी में मोटा और सिरा इसके अंदर पतला होता है। लास्ट, अंत स्तर या फिर अंत कंचुक, ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, जो सल्की उपकलाओं से बना होता है। सल्की उपकला से बना होता है, इसे अंत उपकला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तर चिकनी सतह प्रदान करता है, चिकनी सतह प्रदान करता है। देखें, यहाँ रुधिर वाहिनियाँ, उनमें से धमनी और सिरा दोनों तीन स्तरों से मिलकर बनी होती हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर निर्माण संयोजी ऊतकों और कोलेजन तंतुओं से, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतुओं से होता है। मध्य कंचुक, वर्तुल अरेखित पेशी स्तर और श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं वो मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जो कि धमनियों में मोटा और सिराओं में पतला होता है। अंत स्तर अंत कंचुक सल्की उपकला से मिलकर बना है, और इसको अंत उपकला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनको जो अंदर की जो सतह होती है उसको चिकनी सतह प्रदान करता है, चिकना बनाए रखता है। इस प्रकार से इनका जो स्तर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, सबसे पहले धमनी। धमनी जो होती है ये हृदय से रुधिर को शरीर के भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। धमनी के अंदर अधिकांशतः शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय महाधमनी के अंदर अशुद्ध रुधिर, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी के अंदर अधिकांश तय कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर बहता है, जो कि हृदय से शरीर तक पहुंचाता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी महाधमनी जो है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, जो कि अशुद्ध रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है हृदय तक, फेफड़ों से हृदय तक। धमनी के अंदर रुधिर दाब के साथ बहता है, दाब के साथ में बहता है, यानी कि रुधिर के ऊपर दाब लगा होता है। इसमें त्रिकांत्र जो कपाट होते हैं,
कपाट, वो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। धमनी उत्तकों में जाकर छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको धमनिका कहते हैं। आगे जाकर छोटी शाखाओं में, उन शाखाओं को धमनिका कहा जाता है। सेकंड पार्ट आता है सिरा, यह ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग से हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। अधिकांशतः इसके द्वारा अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है, लेकिन फुफ्फुसीय महाशिरा द्वारा शुद्ध रुधिर ले जाया जाता है। इनमें रुधिर के ऊपर दाब जो होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके अंदर त्रिकांतर जो कपाट होते हैं वो कपाट उपस्थित होते हैं। इनका मध्य स्तर तुलनात्मक रूप से धमनी से पतला पाया जाता है और सिराएं आगे जाकर जो शाखाओं में बढ़ती हैं, इनकी शाखाओं को सिरिकाएं कहते हैं, सिरिकाएं कहा जाता है। सिराएं जो होती हैं इनका व्यास जो होता है वो धमनी से अधिक रहता है, क्योंकि इसमें दाब के अनुसार जो रुधिर होता है वो नहीं बहता है, इसमें दाब बहुत ही कम रहता है। थर्ड केशिका, ये अत्यधिक पतली भित्ति वाली होती है, अत्यधिक पतली भित्ति जिसमें बाह्य व मध्य परत या स्तर जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें केवल आंतरिक स्तर ही इसमें पाया जाता है। जो किसी का जो होती है ये उत्तकों की सतह पर ब्लड को ले जाने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार से केशिकाएं जो होती हैं उनकी भित्ति बहुत ही पतली, जो कि 0.3 mm और व्यास 4 से 10 μm का होता है, 4 से 10 μm का होता है, और भित्ति जो होती है 0.3 μm मोटाई की होती है। इस प्रकार से रुधिर वाहिनियां जो है वो टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके माध्यम से ही रुधिर प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है और कोशिका से वापस हृदय तक पहुँचाया जाता है। धन्यवाद।